हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे भेल के एनालिसिस करेंगे और डेली टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। जैसा यहाँ पे प्राइस एक्शन सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि टेक्निकली बहुत ही गुड साउंड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इसने सपोर्ट लिया है लास्ट टाइम का जो ब्रेकआउट लेवल था, उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट नो डाउट यहाँ पे वीक हो चुका है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिवर्सल हम लोग को दिखाया है। ये जोन जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कि मानो यहाँ पे एकदम तेजी से ऊपर की ओर गया है। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये पूरा ये आके ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल गया है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं, अगर देखेंगे तो इस टाइप का कुछ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और ये चैनल में था, इस चैनल से ये ब्रेक किया है। और जब भी इस चैनल से ब्रेक किया है तो ये चैनल कितना पुराना है वो देखना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये चैनल 29 नवंबर 2021 में यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। लगभग लगभग 7 to 8 month हो गए हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे देखेंगे तो ये वन वे रैली किया है, यहाँ पे एक दिन रुकने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन था ब्रेकआउट के पहले। इनसाइड कैंडल अगर यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था 52 के आसपास किसी ने बाई किया हो तो बेस्ट प्लेस था ये ब्रेकआउट प्ले करने के लिए। स्टॉप लॉस उसका 50 के आसपास होना चाहिए या फिर इस कैंडल के जस्ट नीचे होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, अभी फिर से सेम यहाँ पे कैंडल रिपीट हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे जो ये कैंडल था, एक कैंडल उसके अंदर इनसाइड कैंडल, फिर से इसी टाइप का कैंडल यहाँ पे बना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस या फिर यही स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, यहाँ से ये कितने का है, 4 रुपीज़ का रेंज है। तो यहाँ से 4 रुपीज़ हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 58 का जो लेवल है, ठीक है, 58 का जो हमारे पास नेक्स्ट जो हम लोग को रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है, 58 का आ रहा है। तो एटलीस्ट हम लोग 57.8 तक का हम लोग टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं अगर ये फिर से यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है। तो अगर उसके पहले यहाँ पे अगर ये इस ट्रेंड लाइन को एक बार रीटेस्ट करता है जहाँ से ब्रेक किया है, तो अलग बात है। अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर निकलता है तो इस लेवल के आसपास भी हम बाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न रिवर्सल का देखने के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है और ये ब्रेकआउट हो सकता है सस्टेन करे क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद इस चैनल से ब्रेकआउट मिला है। और ये जो रेंज है, ये जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है, इसको ऑलरेडी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ पे कोशिश किया था ब्रेक करने को और यहाँ पे 4th टाइम में सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल गया है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे कुछ सिनारियो क्रिएट हो रखा है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं आने वाले समय में किस तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो ज़्यादा प्रॉबिलिटी है इसके ऊपर निकलने की है, तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक करेगा मैं कम क्वांटिटी में पोजिशन बना के बाई जरूर करूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए यहाँ पे कम क्वांटिटी का मैं पोजिशन बनाऊंगा। हो सकता है इस कैंडल के नीचे भी मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊँ अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ पे मेरा 2 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, तो उसके हिसाब से मेरा टारगेट भी वहाँ पे होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पूरी प्लानिंग करनी है, उसके बाद अपनी एनालिसिस के बाद इसमें कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। मुझे बस आपको ये दिखाना था यहाँ पे एक अच्छा चैनल था जिसका ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट यहाँ पे एक बहुत ही लंबे समय के बाद हुआ है, इसीलिए इसकी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है ऊपर सस्टेन कर सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लें। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।